जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे इस इलाके के बहुत ही मशहूर हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं, गुमनाम है, लेकिन वो पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज है। जिनसे मेरी मुराद रफीक मोहतरम हजरत हाफिज अजहर करीम साहब, ये बैबलपुर के हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी आवाज़ अल्लाह ने नवाजा है, कुरान भी बहुत शानदार पढ़ते हैं। आप हजरात एक नए चेहरे को देखिए और उनकी आवाज़ को देखिए, अल्लाह ने जिस तरह से बिलाली रंग दिया है, इसे बिलाली आवाज़ भी दिया है माशाल्लाह। और नात और नज़म पढ़ने के लिए कम अज़ कम सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से शायर का दाद या शायर को दाद दीजिए, ताकि उनको पढ़ने में भी मज़ा हो, आपको सुनने में भी मज़ा हो, उनको पढ़ने में भी मज़ा हो, ताकि एक माहौल बने। ये थोड़ा मुख्तसर प्रोग्राम है, लेकिन हर महीना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये बाहर हो रहा है, लेकिन हर महीना महफिल अदब का प्रोग्राम उर्दू सीखने के लिए हम कर रहे हैं। आज इसके जो नाजिम हैं, वो हमारे जो माइक को इनकी जिम्मेदारी में चलता है, वो बीमार हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हजरत मौलाना ज़ईमुल इस्लाम साहब उस्ताद हदीस जामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा को अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह शिफाए कामिल आजिल मुस्तमिर दायम फरमाए। अब माइक पर हाफिज अजहर करीम साहब। गुलशन अदब के प्रोग्राम नज़्म व हम्द पेश करने के लिए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका मिला है, दुरूद पाक का हदिया पेश करें कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाएं। और कुछ भी नहीं, अल्लाह बस इतना कह दे और कुछ भी नहीं, अल्लाह बस इतना कह दे मेरे बच्चों को गुलामे शहबत दे और कुछ भी नहीं, अल्लाह बस इतना कर दे मेरे बच्चों को गुलामे शहबत दे। मेरी गुर्बत का तकाज़ा है हुकूमत तुझसे ते बजाने का, ते बजाने का टिकट थोड़ा सा सस्ता कर दे, ते बजाने का टिकट थोड़ा सा सस्ता कर दे और कुछ भी नहीं।